जमीन पर चलने वाले सारे वाहनों में सिर्फ एक ट्रेन ही एक ऐसा वाहन है जो अपने रास्ते से यानी कि अपनी पटरी से चिपक कर चलता है, जमीन से चिपक कर चलता है, और दूसरी गाड़ियों की तरह इधर उधर रास्ता भटक के एक्सीडेंट करने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ट्रेन भी अपना रास्ता छोड़ के पटरी से उतर जाती है, और जब ऐसा होता है तो भयानक हादसा होता है, बहुत बड़ा जान और माल का नुकसान होता है। ऐसा होता क्यों है, आइए जानते हैं कुछ टेक्निकल रीजंस जिनकी वजह से एक ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी जो वजह है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टूटे हुए वेल्स, टूटी हुई पटरियां, वाइड गॉज यानी कि पटरियों के बीच में मिसअलाइनमेंट। पटरी होती लोहे की है लेकिन लगातार धूप में, बारिश में, गर्मी में, घटता बढ़ता टेम्परेचर, टाइम के साथ इन पटरियों में बदलाव आता है, इनको ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की। सरकार इनके ऊपर कितना ध्यान, कितना पैसा खर्च करती है इनकी देखरेख में, ये इस बात से पता लगता है कि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। दूसरी जो वजह होती है वो होती है मैकेनिकल फेलियर, ट्रेन के ब्रेक्स फेल होना या लोकोमोटिव ब्रेक्स में कोई खराबी आना, इस वजह से भी ये हादसे होते हैं। तीसरी वजह होती है ह्यूमन एरर, अगर आदमी ट्रेन चला रहा है तो गलती हो सकती है, दिमाग है उस वक्त, फिजिकल और मेंटल स्टेट ड्राइवर की क्या है, पिए हुए तो नहीं है, ऐसे हादसे ह्यूमन एरर की वजह से भी होते हैं। इसके साथ कुछ एनवायरमेंटल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि मौसम कैसा है, तूफान है, बारिश है, ये रीजंस कम ही होते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ट्रेन या तो रद्द की जाती है या फिर ऐसे हालात में ट्रेन वहां पर चलती नहीं है, बर्फीले पहाड़ों पर, इसीलिए आप देखते हैं कभी पटरियां बनी नहीं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे भी बढ़ाइए। थैंक यू।